नमस्कार, मैं अभी खड़ा हूँ बाड़मेर से, जिला मुख्यालय से करीब 70 से 80 किलोमीटर दूर गुंगा गांव है ये, और ये जोगी बस्ती है। जोगी समुदाय के जो लोग हैं वो इस बस्ती में रहते हैं, निवास करते हैं। आप ज़रा देखेंगे कि आपको पूरा जो इस बस्ती का नज़ारा है वो नज़र आ जाएगा। दरअसल मैं यहाँ पर आज एक इलेक्शन कैंपेन को लेकर, जो एक चैनल्स की चल रही है उसको लेकर मैं यहाँ आया था। कई सारे लोगों से हमने इस मुद्दे पर बातचीत की। इनका नाम है रूपनाथ, मूल रूप से गुंगा गांव के निवासी। गुंगा रूपनाथ, आप शिव इलाके से आते हैं। शिव इलाके में मानवेंद्र सिंह जसोल आपके यहाँ एमएलए रहे बीजेपी से। पहले ये बताओ कि जब वो एमएलए रहे, इन 5 सालों में आपका जो जोगी समुदाय है इसको कितनी हेल्प मिली? अब जो पहले हमारा जो हेल्प था, हमने बहुत सपोर्ट किया। हमारे जो जितने वोट थे वो मानवेंद्र सिंह जी को दिए, क्योंकि हम विशेष रूप से, हम भारतीय जनता पार्टी ही नहीं हमारा काम किया और उन्हों के बलबूते पे। नहीं, अपन पार्टी का जिक्र नहीं करते, अपन ये बात करते हैं कि इन 5 सालों के अंदर आपका जो समाज है, खासकर इस स्थिति में जहाँ पर कोई पूछता नहीं है, आज आपकी क्या स्थिति, आज आप का जो जीने का स्तर है वो कितना सुधरा है? अब हमारा जो वर्तमान का सुधरा है, हमारे 50-60 साल से, हम 40 साल से इस गांव में रह रहे हैं। मैं 40 वर्ष का हो गया हूँ, मेरा जन्म यहाँ था। लेकिन 40 वर्षों से हमारे को अभी 2-3 महीने पहले ही बिजली देखने को मिली। कोई योजना के तहत बनी ये, जो पंडित दीनदयाल योजना? अच्छा। थी उसके तहत। और हमारे को गैस क्या होता है, हम तो नाथ हैं, हम तो डेरे लेके घूमते थे, हमारे लिए गैस क्या होता है। लेकिन वो उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बलबूते से हमको गैस कनेक्शन मिले। और पानी, पानी तो हमको बहुत दूर, यहाँ से हमारे 7-8 किलोमीटर है वो एक बावड़ी है जिसका नाम कुंट बेरी कहते हैं, हम वहाँ से हम पानी लाते थे। गुंगा सर तालाब हमारे से 3 किलोमीटर दूर, वहाँ से पानी लाते थे। यहाँ हमारे पादरिया सर तालाब, वहाँ से पानी लाते थे, लेकिन उसमें पानी फूट जाने के बाद में हमको दर दर ठोकरें खानी पड़ती थी। अच्छा। लेकिन वो पानी की व्यवस्था भी, अभी भी बिजली की भी, उज्ज्वला योजना की भी, हमारे जमीन का कई प्रकार के लफड़े थे वो हुआ, और हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो ये मकान है 1.5 लाख के, वो भी हमको कई। अच्छा, ये जो मकान बने ये आपकी सरकारी योजना बने हुए? ये बना हुआ है, ये मुख्यमंत्री आवास योजना से बना हुआ है। ये मुख्यमंत्री आवास, मतलब अभी आपके पास गैस कनेक्शन है, गैस आप चूल्हे पे मतलब खाना नहीं बनाते? गैस पे बनाते हैं। अच्छा, लाइट आपके पास है? लाइट है हमारे पास। पानी आपके पास है? और आवास घर जो आप डेरे लेके घूमते थे, हाँ, उसमें कुछ मिले और किसी के बाकी है तो मिलेंगे, ये हमको विश्वास है। अच्छा, पहले आपको ये बताओ कि अभी आपके जो विधायक है मानवेंद्र सिंह जी, वो इन दिनों आपने सुना भी होगा, अखबारों में पढ़ा भी होगा कि उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया और कांग्रेस में चले गए। आपका अब अगर मान लीजिए मानवेंद्र सिंह जी जो है वो कांग्रेस से लड़ रहा हूँ, आप मुझे वोट दीजिए, तो अब वोट किसको दोगे? नहीं नहीं, हम बीजेपी को देंगे, कांग्रेस को नहीं देंगे वोट। तो मानवेंद्र सिंह आपके विधायक थे, आप अब थे तो थे, लेकिन हमारा विकास जहाँ से हुआ है, हम जिसकी खाते बाजरी उसकी भरते हाजरी। अच्छा, प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या ख्याल है? बहुत ख्याल है कि जितना प्रधानमंत्री ने जो इस राष्ट्र के, देश के लिए किया है, इतना किसी माई के लाल ने नहीं किया है। तो कांग्रेस के लोग कहते हैं, उनके प्रतिपक्ष के लोग, कि मोदी जो है वो अमीरों के प्रधानमंत्री, गरीबों के नहीं, गरीबों के है। हमारे जो को भारत के ऋषि हुए चाणक्य जी, उन्होंने जो एक शिष्य को तैयार किया था चंद्रगुप्त को, जो हमारे अखंड भारत का निर्माण चंद्रगुप्त ने किया, वही काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हमारा अखंड भारत बनेगा, ये हमारा सपना है और वो बनाएगा। आप संतुष्ट हो कुल मिलाकर? बिल्कुल हम संतुष्ट हैं। अच्छा, बिल्कुल संतुष्ट है, 101%। आप कितने जोगी परिवार कितने रहते हैं? हम बहुत रहते हैं, 100 घर हमारे यहाँ है। 100 घर है? 100 घर है। 100 घर में कितने घर है जिनको उज्ज्वला गैस ये वगैरह सब? 100 घर में होगा 20-25 उज्ज्वला योजना से मिल गए, किसके फार्म भरे हुए। मतलब ये अच्छी बात है कि 100 परिवारों को इतने साल से कोई नहीं देख रहा, कम से कम 25 परिवारों को तो मिला है ना। और लाइट कनेक्शन सबको मिला? हाँ, जिसने अपना फॉर्म भरा है, फाइल जो जमा करवाई है सरकार में, उसको बिजली दे दी है सबको। और जो बीपीएल थे 14 परिवार, उनको बिल्कुल फ्री दे दिया है। बिल्कुल। और जो बीपीएल नहीं थे उनको भी पहले कुछ पैसे, मतलब जो सरकार का कानून था उसके हिसाब से भरे, किसी को फ्री दे दिया है। तो अभी कोई समस्या है शिक्षा को लेकर? क्या स्थिति, आपके बच्चे कितने पढ़ते हैं? बच्चे हमारे बहुत पढ़ते हैं, शिक्षा से लेके हमारी थोड़ी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इसी
नगर में हमारे जो हम 100 घर में निवास करते हैं, हमारे यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर स्कूल दूर है, हमारे लिए एक शिक्षा के लिए स्कूल हो जाए तो अच्छा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? भवरनाथ। क्या करते हो? क्या नहीं साहब, मजदूरी करते हैं, यो कबाड़ा का काम करो। अच्छा, कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बच्चे हैं, एक बच्ची। पढ़ने भेजते हो उनको? नहीं भेजते को पढ़ने साहब, बकरे चरावे बीजो में खावे की जान, स्कूल में घरे मजदूरी करनी पड़े, माऊ वह कौन माऊ में धंधो वह कौन मजदूरी। अच्छा, यो बताओ थोड़े सरकारी योजना लाभ मिलो कहीं? सरकारी योजना में माने गैस कनेक्शन मिली हुआ, लाइट मिली। अच्छा, पानी की सुविधा है? पानी रखना होती है, टंकी पानी आवे, पानी घने आवे, कोई दिक्कत नहीं? पानी आवे थी। अच्छा, स्कूल आगी बागी है और कितने आगे पड़े? स्कूल साहब गांव में है, हमारे ऐसे घरों में स्कूल है कौन है। अच्छा, वो तो बच्चा जावे थोड़ी जोगी है? बच्चा का जावे साहब। अच्छा, कोई जावे है न केरे बजे, बच्चा कोई घर रो काम करे, माँ बाप मजदूरी करवा जावे तो घरे रो काम करे, हमारे यहाँ फाथोड़ा सा। ठीक है, इस गांव के आसपास के क्षेत्र के एक कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पदम सिंह जी राजगुरु है, बीसू गांव के निवासी हैं, इनसे बात करते हैं। पदम सिंह जी, ये जो गांव है इसके बारे में बताएं कि यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह की ज़िंदगी को जी रहे थे, और आज जब कई सारी जो योजना है इनका, इनको जब फ़ायदा मिला है तो क्या सा फील होता है जब ऐसे निचले तबके के लोगों को आप उनका जीवन स्तर सुधरता हुआ देखते हैं? ये गुंगा गांव है। गुंगा गांव शिव से पहले, शिव नहीं जाते, आसपास के लोग यहाँ आते थे। यहाँ बड़े सेठ साहूकार लोग थे, आसपास के गांव के आते, यहीं से सारा संचालन होता था। यहाँ पंप था, यहाँ सेठ थे, बाकी शिव में कुछ था ही नहीं। अभी पिछले 15 से 20 साल से ये हालात हो गए कि शिव में पेट्रोल पंप है, शिव के बाद में सारी स्थितियाँ, शिव में सेठ लोग बैठ गए, दुकानें शिव में आने के कारण ये गाँव मुख्य रूप से पिछड़ गया। यहाँ पे मुख्य दिक्कत पानी की थी। नहर जो बाड़मेर लिफ्ट कैनाल है, बाड़मेर से जैसलमेर बाड़मेर जाती है, गांव के अंदर से जाती है, लेकिन इनको आज तक एक गांव को पानी नहीं मिला। और यहाँ पे लाइट की व्यवस्था थी, जो ये पास में जो राजेश गांव है यहाँ पे रोडों की दिक्कत थी, ये सारा इनके अभी पिछले 5 से 7 साल में हो रहा है, यानी कि जो विकास हो रहा है वो 5 साल में हुआ। अभी उज्ज्वला योजना के तहत इनको घर टू घर लाइट मिल रही है, और इनके पानी भी मिला है, और हमारे मोदी जी का मुख्य स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनको शौचालय भी मिले हैं।